हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारत की सरहद से पटना तक बाड़मेर के पत्रकार की गिरफ्तारी का विरोध। बाड़मेर के पश्चिमी राजस्थान के सरहदी जिले में बाड़मेर के पत्रकार दुर्ग सिंह राजपुरोहित की गिरफ्तारी का मामला देश भर में चर्चा में है और प्रदेश भर विरोध दर्ज कर लोग बाड़मेर पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। जिले के सरहद से सटे चौहटन क्षेत्र में भी आज गुरुवार पत्रकार की गिरफ्तारी का विरोध किया गया। पत्रकारों सहित सर्व समाजों के सैकड़ों लोगों ने चौहटन में शांतिपूर्ण रैली निकालकर उपखंड अधिकारी भूपेंद्र यादव को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर पत्रकार दुर्ग सिंह राजपुरोहित को न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। इससे पूर्व ग्राम पंचायत चौहटन के मैदान में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए जिला परिषद सदस्य एवं एडवोकेट रूप सिंह राठौड़ ने बताया कि एक पत्रकार को जिस तरह षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार करवाया उसकी आलोचना बाड़मेर जिले ही नहीं बल्कि पूरे देश में जगह जगह हो रही है। समाज सेवी राम सिंह बोथिया ने बताया कि हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को न्याय के साथ खड़ा रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति हो। उन्होंने कहा कि बाड़मेर पुलिस के अधिकारियों द्वारा निर्दोष व्यक्ति के प्रति उत्सुकता दिखाई गई, वह एक साजिश का हिस्सा है। सरपंच संघ चौहटन अध्यक्ष शाकर खान समेजा ने बताया कि बाड़मेर जिले में शांतिपूर्ण माहौल दूषित करने के प्रयास चल रहे हैं, जिसका हम सबको एक साथ रहकर अन्याय का विरोध करना चाहिए। पंचपटी दर्जी समाज के अध्यक्ष ओमकार सिंह चावड़ा ने बताया कि जिस तरह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है वह निंदनीय है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ईशाराम दहिया, अम्बालाल अलबेला और कैप्टन कुमार सिंह राजपुरोहित एवं भाजीयोमो मंडल अध्यक्ष नरपत सिंह दुधवा, कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश विश्नोई, खेत सिंह घोनिया ने भी सभा को संबोधित किया, जिसके बाद सभी सर्व समाज के लोगों ने मौन रैली के रूप में बाजार से होते हुए उपखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां उपखंड अधिकारी भूपेंद्र यादव को राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की। वही साजिश के तहत फंसाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करवाने की मांग की। इस दौरान सर्व समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।